नमस्ते। ये प्रयोग है रोटेशन पंप, जानते हो? हम एक स्ट्रॉ का इस्तेमाल करके पानी निकालेंगे। ये प्रयोग किस बारे में है चलो देखते हैं। हमें चाहिए एक स्ट्रॉ, एक इतनी लंबी झाड़ू की तीली इस तरह, एक टेप, एक कैंची काटने के लिए, पानी से भरा एक जार। अब इसे कैसे करते हैं? स्ट्रॉ लेकर उसके ठीक बीच में छेद कर दें। इस छेद में झाड़ू की तीली डाल दें। चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। बिल्कुल बीच में। सही है। यह तैयार है। हमने तीली को बीच में डाल दिया है। अब स्ट्रॉ को काट दे, थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ और बीच से लगभग समान दूरी पर। लेकिन इसे पूरा नहीं काटना है। अब इसे इस तरह घुमाकर टेप से चिपका दें। चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। बस पूरा नहीं काटना है। हाँ, अब ये तैयार है। अब पानी से भरा जार लीजिए, इसे पानी में डुबाइए और घुमाना शुरू कर दीजिए। पानी में डालकर घुमाइए। देखिए पानी बाहर आ रहा है। हाँ, आपने देखा? इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए होता है? तुम्हें वॉशिंग मशीन पता है ना? हाँ, ये स्पिनर घूम घूम के पानी बाहर निकालता है जिससे कपड़े सूख जाते हैं। ये कपड़ों को बहुत तेजी से घुमाने के कारण होता है। जैसे जैसे पानी बाहर आता जाता है कपड़े सूखते जाते हैं और हम उन्हें टांग देते हैं। इसका ये उपयोग होता है। दिलचस्प है, आप भी आजमा सकते हैं। ऑल द बेस्ट।